एक बार फिर आपका स्वागत है YouTube चैनल इंडिया ओल्डेज में। इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने बोध संगीतियों के बारे में पढ़ा। आज हम बोध शाखाओं जो कि हीनयान व महायान शाखाएं थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में शाखाएं क्यों बनी, ठीक है ना। अपन देखते हैं कि भाई बौद्ध धर्म में शाखाएं बनी तो क्यों बनी, इसको पहले समझते हैं अपन लोग। तो मतलब बौद्ध धर्म मतलब महात्मा बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्षों के बाद में बौद्धों में मतभेद उभर कर सामने आने लगे थे, ठीक है। उसी समय बौद्ध धर्म की संगीतियां हुई थी जो 4 थी। इनमें से द्वितीय बौद्ध संगीति जो वैशाली में हुई थी और ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि थेर भिक्षुओं ने मतभेद करने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया था, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग से संघ बना लिया था और स्वयं को क्या कहते हैं लोगों ने, महासांगिक। और जिन लोगों को इन्होंने निकाला था उनको इन्होंने हीन सांगिक नाम दिया। अब ये दोनों महासांगिक और हीन सांगिक है, यही आगे चलकर महायान तथा हीनयान शाखाएं कहलाई। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि हीनयान और महायान शाखाएं कब नाम दिया गया, मतलब इन जो ये आपका महासांगिक और ये है ना जो मतलब द्वितीय बौद्ध संगीति में जो दो गणे थे इनको हीनयान और महायान नाम कब दिया गया, वो दिया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। अब देखिए दोस्तों, हमने चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, आप वहां पर जाके इसका सार देख सकते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं बौद्ध शाखाओं के बारे में, बौद्ध धर्म की शाखाओं के बारे में। तो देखिए बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं हुई थी, एक थी आपकी हीनयान और एक थी आपकी महायान शाखा, ठीक है। अब देखिए जो हीनयान शाखा है इसके भी 2 भाग थे, सर्वास्तिवादी जिसको थेरवादी कहा गया था, एक था विभूषी विभाषा मूल ग्रंथ, ठीक है, इसको व्यभाषिक दर्शन भी कहा गया। और एक थी आपकी महायान शाखा, इसके भी 2 भाग थे, एक तो था माध्यमिक शून्यवाद और एक था विज्ञानवाद या फिर इसको अपन योगाचार भी कह सकते हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म की प्राचीन शाखा कौन सी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि भाई हीनयान थी या फिर महायान शाखा थी, कौन सी प्राचीन शाखा थी, वो थी हीनयान शाखा, इसे थेरवाद शाखा भी कहा गया है, ठीक है। तो हीनयान का ही नाम थेरवाद शाखा है। देखिए हीनयान शाखा के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हीनयान शाखा के बारे में। तो हीनयान यानी कि निम्न वर्ग, ठीक है। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था और इसका शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए ही था, ये लोग परिवर्तन तथा सुधार के विरोधी थे। ये चाह रहे थे कि भाई पहले का जो बौद्ध धर्म चला आ रहा है हम उसी को ही अपनाएंगे, हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये थी आपकी हीनयान शाखा। इस शाखा के लोग बौद्ध धर्म के रिवाजों को जो का त्यों बनाए रखना चाहते थे और हीनयानी लोग बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में न करके केवल महापुरुष के रूप में करना चाहते थे। इन लोगों की साधना अत्यंत कठिन थी, ये लोग मानते थे कि भाई निर्वाण जो मोक्ष है उसके लिए स्वयं को ही प्रयास करना पड़ेगा और यदि रास्ता दिखाने वाला कोई दूसरा है तो वह है गुरु और वो गुरु कौन है, महात्मा बुद्ध, ठीक है। अब देखिए कई बार ये भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि हीनयान का आदर्श क्या है, वो है आत्मदीपो भय अर्थात अरहंत। और अरहंत का अर्थ क्या होता है, जिन्होंने स्वयं के प्रयासों से मोक्ष प्राप्त किया। हीनयान शाखा है, इसमें मतलब पाली भाषा में कई ग्रंथ लिखे गए हैं और ये ग्रंथ है त्रिपिटकों के पालन पर बल देते हैं। हीनयान शाखा का विस्तार श्रीलंका बर्मा आदि देशों में हुआ, बाद में हीनयान 2 शाखाओं में विभक्त हो गई थी जो मैंने पहले आपको बता दिया है, व्यभाषिक और सर्वास्तिवादी शाखा। अब देखिए अपने यहाँ पर पढ़ते हैं महायान शाखा के बारे में। महायान शाखा के लोग नवीनतावादी यानी समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करने वाले थे और महायान बौद्ध धर्म का विस्तार भारत से आरंभ होकर उत्तर की ओर बहुत से अन्य एशियाई देशों में फैल गया, जैसे कि चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, तिब्बत, भूटान आदि देशों में। इसके अनुयायी कहते हैं कि अधिकतर मनुष्यों के लिए निर्वाण का मार्ग अकेले ढूंढना मुश्किल है, ठीक है, यानी कि भाई किसी की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। जबकि हीनयान शाखा के लोग क्या बोलते हैं कि भाई खुद को ही ढूंढना पड़ता है, वो मतलब कठिन रूल्स को अपनाते हैं, जबकि ये बोलते हैं भाई परिवर्तन कर देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इन लोगों का मानना है कि जब
तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब महायान शाखा का आदर्श देके बोधिस्व गुणों का स्थानांतरण, अर्थात हम कह सकते हैं कि बुद्ध की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया, उसके बाद दूसरे लोगों को भी मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देना ही बोधिस्व है। यह आपको यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि बोधिस्व क्या है। इसी प्रकार से अपन ने मतलब जो पढ़ा हीनयान और महायान शाखाओं के बारे में, ये दो प्रसिद्ध शाखाएं बौद्ध धर्म की, लेकिन एक और भी शाखा है जो गौण शाखा के नाम से भी अपन उसको मतलब बोल सकते हैं, जो है वज्रयान शाखा। इस शाखा में तंत्र मंत्र के माध्यम से बुद्ध व उनकी पत्नी तारा देवी की पूजा की जाती है। इस शाखा की उत्पत्ति 5वीं-6वीं शताब्दी में हुई थी। और वज्रयान शाखा से संबंधित दो ग्रंथ है, वो कौन कौन से है, मंजूश्री मूलकल्प और गुह्य समाज। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बौद्ध धर्म की शाखाओं के बारे में पढ़ा, और इसी प्रकार की अन्य जानकारी बौद्ध धर्म से संबंधित जानने के लिए हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज पर बने रहें।